नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपने ये तस्वीर देखी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कई सारे विचार आ रहे होंगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कौन जानवर है। ऐसा सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि पिंजरे के अंदर जानवर है या पिंजरे के बाहर। ऐसा सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये जो वीडियो है बिहार का ही है। कहाँ का है आपको हम बताएंगे। बिहार का ये वीडियो है और ये बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पिंजरे के अंदर जानवर है या पिंजरे के बाहर। हम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं इसके अभी इसका भी हम स्पष्टीकरण देंगे, पूरी बात बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो है बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर का है। जी हाँ, कोइलवर पुल के नाम, कोइलवर पुल को तो आप जानते ही होंगे। कोइलवर पुल जो काफ़ी फेमस रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पुल है और उसी से जाना जाता है। ये पटना और भोजपुर जिले के बीच की कड़ी है, इसे जोड़ता है। तो कोइलवर इलाके की ये तस्वीर है और एक शादी समारोह की तस्वीर है जिसमें डीजे बज रहा है, पिंजरे के अंदर लड़कियां डांस कर रही हैं और बाहर लड़के मज़े ले रहे हैं। बाहर भी डांस हो रहा है लड़कों का। तो पिंजरे के अंदर और बाहर का क्या फ़र्क है, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की जो तस्वीर है क्या कुछ बताती है, क्या कह रही है, क्या सवाल खड़े कर रही है कि क्या पिंजरे के अंदर जानवर है या पिंजरे के बाहर। हम बार बार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसे स्पष्ट भी करेंगे, क्योंकि जानवर को पिंजरे में बंद रखा जाता है, इंसान को नहीं। इंसान पिंजरे में बंद नहीं रहता है। तो पिंजरे में जो बंद लड़कियाँ हैं क्या वो जानवर हैं, या फिर बाहर जो लड़के डांस कर रहे हैं उन लड़कियों के डांस का मज़ा ले रहे हैं, पपतियाँ कस रहे हैं, हंस रहे हैं और झूम रहे हैं, वो जानवर हैं? क्या डर है इन लड़कियों को छेड़ने का कि उन्हें छेड़खानी की जाएगी उनके साथ, और ऐसी स्थिति में उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया है? पिंजरे में वो डांस कर रही हैं पिंजरे के अंदर और लोग बाहर मज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल ये एक कपा देने वाली तस्वीर है, सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर है कि आखिर ऐसा क्यों। इन लड़कियों के बारे में भी बताएं कि इन लड़कियों को मुजफ्फरपुर के बाज़ार से लाया गया है महज 4,000 रुपये में। लड़कियों को की कीमत अदा की गई है और इस तरह से भरे बाज़ार में छोड़ दिया गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है पिंजरे के भीतर से। पिंजरे के भीतर जानवर या पिंजरे के बाहर, ये सवाल हम बार बार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे ही। पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जबकि इंसानों को पिंजरे में आप नहीं रख सकते, जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, लेकिन इन लड़कियों को पिंजरे में बंद कर दिया गया है और डांस करवाया जा रहा है। ये डीजे का दृश्य है। बिहार में डीजे बजाना नहीं है। बिहार क्या, जहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ है, अब हालांकि लॉकडाउन बिहार में ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन के दौरान या फिर अभी जो नई गाइडलाइंस है उसमें भी डीजे बजाने के लिए कहीं भी आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन उसकी धज्जियाँ भी उड़ रही हैं। डीजे बज रहा है, डांस चल रहा है और तमाम जो है धज्जियाँ जो सरकार के कानून की, जो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ तो उड़ ही रही हैं। साथ ही साथ ये बड़ा सवाल भी छोड़ रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों, पिंजरा क्यों लगाया गया है? या तो वो जो लड़के बाहर डांस कर रहे हैं उन पर लोगों को विश्वास नहीं है, वो उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, या जो लड़कियाँ पिंजरे के अंदर हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि वो पिंजरे में है, लोग उन्हें छू नहीं सकेंगे, उनके साथ बदसलूकी नहीं कर सकेंगे। बड़ा सवाल खड़ा करता है ये तस्वीर जो है, बिहार की तस्वीर है, कोइलवर की तस्वीर है और पटना से महज राजधानी से कुछ चंद किलोमीटर यानी 25-30 किलोमीटर की दूरी पर ये कोइलवर है, कोइलवर का पुल है और भोजपुर और पटना को जोड़ने वाला ये जो पुल है कोइलवर, ऐतिहासिक जगह है, पुरानी यादें हैं, अंग्रेजों के ज़माने का ये पुल है जो याद दिलाता है कि अंग्रेज़ कभी जब भारत में थे तो उन्होंने भारत को क्या कुछ दिया। लेकिन आज उसी इलाके में ये जो मानसिकता है क्या कह रही है, भारत की ये मानसिकता, बिहार की ये मानसिकता क्या कह रही है कि लड़कियों को पिंजरे में डाल दिया गया और लड़के बाहर से भूखे शेर की तरह मज़ा ले रहे हैं। तो इसीलिए हम बार बार ये सवाल कह रहे हैं कि पिंजरे में जानवर है या पिंजरे के बाहर जानवर है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों।
क्यों ऐसा किया गया और इन लड़कियों को पिंजरे में क्यों डाला गया, सोचने का विषय है। ये तस्वीरें, ये वीडियो अब तेज़ी से वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से इन लड़कियों को लाया गया, 4,000 रुपये पर डांसर यानी खरीदा गया, इन्हें खरीद कर लाया गया। और शादी ब्याह के समारोह है, शादी ब्याह के समारोह में जो बारात निकल रही है और बारात में ये प्रदर्शन कर रही हैं लड़कियां, डांस कर रही हैं पिंजरे में बंद होकर। और पिंजरे के बाहर जो इंसान हैं, इंसान कहना शायद सही होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि पिंजरे के अंदर जानवर या पिंजरे के बाहर जानवर, पिंजरे में किसी इंसान को कैसे कैद किया जा सकता है, और पिंजरे में बंद इंसान को अगर कोई देख रहा हो बाहर से तो उसे इंसान कैसे कह सकते हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये जो है दृश्य है, जो ये वीडियो है, बड़े सवाल खड़े करने वाला है कि क्या मानसिकता बिहार के देश की ऐसी ही है, पिंजरे में बंद करने की जरूरत पड़ गई लड़कियों को। और ऐसा किया क्यों गया, क्यों बुलाया गया, क्यों नुमाइश लगाई गई, लड़कियों को डांस कराने की क्या जरूरत पड़ी थी और इस तरह से पिंजरे में बंद कराकर डांस किया जा रहा है। सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन को इसका जवाब देना होगा, सीएम साहब को भी इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये उनका बिहार है, नीतीश कुमार जी का बिहार है। इस बिहार में लड़कियों को पिंजरे में बंद कराकर डांस कराया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े तो होंगे ही कि जो नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं, नीतीश कुमार आरक्षण देते हैं महिलाओं को 33%, और अभी हाल में उन्होंने बड़ा निर्णय भी लिया है जहाँ पर सरकारी कॉलेजों में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है नीतीश सरकार की तरफ से। तो उस बिहार में जहाँ नीतीश कुमार दावा करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और उस बिहार में महिलाओं का ये हाल, लड़कियों का ये हाल कि पिंजरे के अंदर बंद करके उनकी नुमाइश की जा रही है। सवाल हम आपको छोड़े जाते हैं आपके साथ, आप भी सोचिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और कुछ आप भी सोचिए कि आखिर क्या ये उचित है, और अगर ये ऐसा हुआ है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसने किया ऐसा, ये करतूत किसकी है, और इस करतूत को अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बने रहिए आप सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हम सिटी पोस्ट लाइव हैं। धन्यवाद।